15 साल से हम लोग जंगल की आग बुझाने में वन विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे हमारा नज़दीकी अनुभव रहा है कि जंगल को कई क्षेत्रों में फायर लैंस के माध्यम से बांटा जाना चाहिए। ये आवाज़ है गजेन पाठक जी की, अल्मोड़ा स्याही देवी विकास मंच के संयोजक पाठक जी स्याही देवी के जंगलों पर गहरी निगरानी भी रखते हैं। उनका कहना है फायर लाइन उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचा सकती है। फायर लाइन्स जंगलों के बीच में बनी हुई एक ऐसी रास्ते हैं, ऐसे चौड़े रास्ते हैं। अगर हम उत्तराखंड के जंगलों की बात करें तो हजारों किलोमीटर फायर लाइन्स बनी हैं अंग्रेजों के समय से, क्योंकि आग लगने की घटनाएं पहले भी हुआ करती थी, लेकिन उनमें अंतराल बहुत ज़्यादा होता था, 10-10, 15-15 साल में आग लगा करती थी। इधर आग लगने की घटनाएं लगभग लगभग हर साल हो रही हैं, और आग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से फैल रही है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि जो फायर लाइन्स हैं उनका रखरखाव नहीं है, उनमें कई तरह की जो परेशानियां हैं, नए पौधे उग के आ गए हैं और उसके अलावा उनका रखरखाव नहीं हो रहा है, तो फायर लाइन्स गायब जैसी हो गई हैं, जिसके अभाव में हो क्या रहा है कि आग एक इलाके से दूसरे इलाके में आसानी से फैल जा रही है। यदि इन फायर लाइन्स का रखरखाव किया जाए, इनमें से जो अनियंत्रित जो इसमें ग्रोथ हुई है पौधों की या पेड़ों की, उनको हटाकर फायर लाइन्स को साफ रखा जाए, तो इसका फायदा हमें गर्मियों में उस वक्त मिलता है जब आग किसी एक इलाके से में लग जाती है, जंगल के एक हिस्से में आग लगती है, तो हम लोग फायर लाइन्स की मदद से आग को जंगल के दूसरे हिस्से में फैलने से रोक सकते हैं। उत्तराखंड के जंगलों को हमें अलग नज़र से देखना चाहिए। ये विश्व की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहाँ प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्राकृतिक जीवन के सुंदर हिस्से हैं। वो अलग अलग प्रकार के पेड़ हों, झाड़ी हों, इन पेड़ और झाड़ियों के बीच बहुत सारी नाजुक वनस्पतियाँ भी हैं। ये परिवेश यहीं खत्म नहीं होता, वनस्पतियों जड़ी बूटियों के साथ यहाँ जीवन बना है। पेड़ों पर चिड़ियों का संसार है, जमीन पर जंगली जानवरों का अस्तित्व। जंगल में गलती से भी लगी आग पूरी दुनिया को खत्म कर देती है। आज पूरी दुनिया में कोरोना का असर हमें याद दिला रहा है, आग गलती से लगी या लगाई गई, परिणाम ठीक नहीं होते और लंबे समय के लिए वन्य जीवन पर इसका असर पड़ता है। जंगल में लगी आग से उत्तराखंड की खेती पर इसका सीधा असर जंगली जानवरों से हुआ है। जंगलों में लगी आग की अफरा तफरी में वो गांव की तरफ और खाने के लिए गांव के खेतों तक पहुंच गए। साल दर साल चले इस नुकसान से किसान परेशान होकर खेती छोड़ चुके हैं और बंजर खेती का रकबा बढ़ गया है। बंजर खेतों को आबाद बनाए रखने के लिए लोगों ने अपनी अपनी जमीनों के आसपास आग लगाई, जिससे उनकी जमीनों में झाड़ियां ना उग पाए। ज्यादातर घटनाओं में यही बात सामने आई है। गजेन पाठक जी बताते हैं, जंगलों की आग के जो प्रमुख कारण हैं, उनमें जो एक बड़ा कारण फैक्टर है वो है औण का जलाया जाना। औण एक इस तरह की एक प्रक्रिया है जिसमें जो खेतों में खरपतवार होती है, जो कूड़ा करकट होता है, जो कांटे होते हैं, उनको महिलाएं दिसंबर जनवरी के महीने में काटती हैं और सूखने के बाद उन्हें फिर मार्च अप्रैल मई जून तक के महीनों तक जलाया जाता रहता है। अक्सर क्या होता है, मई और जून के महीनों में जब गर्मी प्रचंड रूप अपना धारण कर लेती है और उस वक्त आग लगने का जो सूचकांक है वो बहुत उच्च स्तर पर पहुँच जाता है, उस वक्त अगर किसी भी महिला से अगर लापरवाही हो गई औण के निस्तारण में, औण की आग लगाने के बाद उसको बुझाने का ध्यान नहीं रहा, तो आग निकटवर्ती जंगल में फैल जाती है और वो बहुत भयंकर रूप ले लेती है। अगर हम इस प्रक्रिया को, औण जलाने की प्रक्रिया को नियमित कर सकें, उस पर अनुशासन कायम कर सकें, तो हम लोग 90% आग के जो मामले हैं उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। सभी मामलों में ग्रामीणों की गलती नहीं भी होती। स्थानीय जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीण लोग ही आग बुझाते हैं, जो सही भी है। घरों के आसपास आग जलाने के संदर्भ में प्रभागी वनाधिकारी अल्मोड़ा SR प्रजापति अपना तर्क रखते हुए कहते हैं, अधिकतर तो आग जो है अलाव जलाने से जो लोग खेतों में जलाते हैं उसी से ज्यादा फैलती है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि उसे कलेक्ट करके अपने घर उठा लावें और रख दें, मवेशियों को यूज आएगा, कभी बैठने में जाड़े में काम आएगा, उसको जलावें ना, तो उससे जो है हमारे आग पर करीब 80% कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि सभी ग्रामीण भाई बंधु जो भी हैं अपने खेत में जो
खरपतवार जलाते हैं उसे वहां ना जला करके उसको किसी गड्ढे में डाल दें, और उससे कंपोस्ट खाद भी हो जाएगी और वो अच्छा काम में आएगा, और एक तो आग लगने से बच जाएगा और उसका उपयोग भी हो जाएगा खाद के रूप में। लेकिन इस विषय पर सामुदायिक सवाल और चर्चाएं भी तब होती हैं जब जंगलों में आग लगने की शुरुआत हो चुकी होती है। इन सवालों के जवाब हमें मांगने चाहिए और बताने भी। गजेंद्र पाठक जी के अनुसार पुरानी फायर लाइनों पर काम करने की आवश्यकता हो या सामुदायिक स्तर पर ग्रामीण जनों की भागीदारी, इन्हीं पहाड़ी राज्यों के जंगलों से हिमालय और उसके ग्लेशियरों का बहुत से जुड़ा है। जंगल की आग को रोकने के लिए स्थायी और ठोस प्रयास किए जाने जरूरी हैं, ताकि यह नाजुक तंत्र बचा रहे और इसे बचाने वाले हम इस पीढ़ी के पहले सदस्य के रूप में हों। कुमाऊँवाणी की इस पहल के लिए मैं जितेंद्र अग्रवाल